आपको देखा और आप आए बीच में प्रवेश की, कहानी याद आई। एक राजा को तोतों का बड़ा शौक था, कारोबारी तोते रखते थे राजा साहब। राजा सलाह बहुत लिया करते थे और तोता सलाह भी देता था, भूत भी ठीक करता था, भविष्य की बात भी करता था। तोता और राजा की कहानी में पिक्चर अभी बाकी है, शेष अगले अंक में संभवतः बजट में। सर भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा गया, तो सर मैं तो सोच के आया था कि ऐसी कोई बात ही नहीं बोलूंगा। अचानक आपको देखा और आप आए बीच में प्रवेश की, कहानी याद आई। एक राजा को तोतों का बड़ा शौक था, कारोबारी तोते रखते थे राजा साहब, तोते का बड़ा शौक था। नहीं, आप बताइए, मुझे देखते ही आपको भ्रष्टाचार की क्यों याद आ गई? नहीं सर, भ्रष्टाचार की नहीं, राजा की याद आ गई। इसको क्लेरिफाई कीजिए। सर राजा की याद आई। We have a distinguished member here from the same fraternity. सर राजा की याद आई। सर सर तो कई तोते थे उसके पास, लेकिन अचानक उसका स्नेह एक खास तोते के लिए काफी हो गया। गौतमी प्रवृत्ति का तोता था, तो सबको चांदी और स्टील की कटोरी मिली, उस तोते को कनक कटोरी मिली। और तोते से राजा सलाह बहुत लिया करते थे और तोता सलाह भी देता था, भूत भी ठीक करता था, भविष्य की बात भी करता था। एक दिन उस तोते के बारे में कोई अनुसंधान आ गया पड़ोस से। उस अनुसंधान के बाद तोता थोड़ा बीमार रहने लगा। अब उस बीमार तोते की वजह से राजा ने भी खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन उस तोते का एक और भाई था जो विनोदी स्वभाव का था। अब उसने फूल नाम की एक कंपनी और एक हां बैंक हुआ करता था। हां बैंक के 48,000 करोड़ उस तोते ने 1,303 करोड़ में केमन आइलैंड पे दे दिया। ये प्राचीन काल की बात है। तो तोता और राजा की कहानी में पिक्चर अभी बाकी है, शेष अगले अंक में संभवतः बजट में। सर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विशुद्ध राजनीतिकरण होता है, राजनीतिकरण होनी भी चाहिए, लेकिन सर 2018 से लेकर अब तक जब अभिभाषण में आप कंटेंट एनालिसिस करो तो 43 बार 2014 का जिक्र होता। सर इतना तो 1947 का जिक्र नहीं होता जब हम आजाद हुए थे। 2014, ये कौन से इतिहास की समझ विकसित कर रहे हैं कि 2014 से पूर्व इस देश में अंधेरा था और 24 में अगर कुछ और हो गया तो देश में सन्नाटा हो जाएगा। सर शून्य और सन्नाटे के बीच में सर सर मैं माननीय सभापति महोदय, टॉलरेंस 1952 में बाबू राजेंद्र प्रसाद। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि 2014 की खासियत क्या है। आई वॉज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन 89। तो एक सेकेंड, लेट्स बी लिटल डेकोरस। हाँ, बी लिटल डेकोरस। दी स्नाइप सोर्ट्स शुड नॉट बी देयर, दे डोंट गिव एनी डिग्निटी टू एनीवन इन द हाउस। तो वी स्टार्टेड अ डिकेड इन 90s। सो वी यूज टू हैव MPs, एक्स MPs. But there was a new breed during 90s, ex-MPs, AXED. They couldn't complete that term. Ninth Lok Sabha was there. Then thereafter we had that situation when we had Indra Kumar Gujral ji, L.D. Devgoda ji, and also Atal Bihari Vajpayee ji for 2 terms. So that particular phase of 30 years where the country had coalition governance came to an end in 2014. That was the reason. Sir, Jairam ji. Achha, I said AXED. Sir, Mananiya Sabhapati Mahoday, mere waise bhi hum logo ka acha waqt nahi chal raha hai, to mere waqt mein 2 minute ka ijafa kar dijiyega, ek speaker hamare aur honge sambhav. Unka kat jayega. Sir, please. मैं क्यों कह रहा था, आप मेरे भावार्थ को नहीं समझे। 2014 सर इतिहास बोध 2014 से नहीं होगा, फिर क्या कहेंगे 47 में। हम पहली आजादी की वर्षगांठ हमने 48 में मनाई थी सर, तब तक बापू को खो चुके थे। हाँ, आज 75वें वर्ष में इस तथा कथित अमृत काल में मैं ये देख रहा हूं कि गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन हो जाता है, ये भी है, ये है। इसके लिए 2014 चिंता का विषय था और कोई नहीं। प्रधानमंत्री डेमोक्रेटी के लिए इलेक्टेड हुए, कौन विरोध करेगा, लेकिन डेमोक्रेसी में कई एनोमलीज आ रही हैं, विसंगतियां आ रही हैं, उनका जिक्र ना करूं तो पार्लियामेंट फिर किस बात की सर।